सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधर गई और विद्यालयों में एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बच्चे पढ़ने जाने लगे। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आप शिक्षा के स्तर कैसे सुधार पाएंगे। मेरा पहला सवाल है, माननीय मंत्री जी का जवाब आए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 भर्तियों को चयन अथवा जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। मेरा यह पूछना है मानवर कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब वितरित किए जाएंगे तथा 6,696 पदों पर विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी उसमें विसंगति थी और OBC के आरक्षण में विसंगति थी, तो अब मंत्री जी यह बताएं कि आप नए कितने पद सृजित करेंगे, क्योंकि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं थी बल्कि शिक्षा मित्रों को संयोजन का मामला था। पहला सवाल। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि मंत्री जी का जवाब आया कि बेसिक में शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं लेकिन भर्ती के संदर्भ में सरकार का कोई भी विचार नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख प्रशिक्षुओं को DLED करवाया जा रहा है और जबकि DLED 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के प्रशिक्षु पहले से DLED भर्ती की परीक्षा में हैं, यानी लगभग 15 लाख अभ्यर्थी DLED परीक्षा से उत्तीर्ण हैं जिनमें 8 से 10 लाख TT उत्तीर्ण हैं, ऐसे प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती कब होगी? सरकार या तो शिक्षक भर्ती निकालेगी या हर साल कब भर्ती होगी इस पर अवगत है। एक तीसरा मेरा अनुपूरक है कि 2016 में 12,400 शिक्षक की भर्ती हुई थी जिसमें 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, सरकार बदलने के बाद इस पर जांच हुई थी तो आधों को दे दिया गया, आधे अभी अभ्यर्थी बचे उनको कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक आखिरी मेरा अनुपूरक है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 17-18 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई जिसका परिणाम 17 नवंबर को आया 2021 को तथा पुनः परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई, नियुक्ति को कब तक भर्ती किया जाएगा? और इन विषय पर माननीय मंत्री जी का मैं जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज परिषदीय विद्यालयों में उस समय पठन पाठन के कार्य को छोड़ करके परिषदीय विद्यालयों में बाकी अन्य सारे कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता था। जो पूछा उसके ऊपर बताइए। मैं उनके उत्तर पे ही आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे परिषदीय विद्यालय में नहीं है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित हैं ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है, तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये PTR जो हमारा रेशियो है टीचर का बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। पूछिए, आप पूछिए। करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तो उनको 7,500 और 10,000 आप क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डिलीट क्यों करवा रहे हैं? लगभग 15 लाख बच्चे जो डिलीट किए हैं जिसमें से 10 लाख बच्चे TT उत्तीर्ण हैं और आपके पास पद नहीं है तो आप उनको क्यों डिलीट करवा रहे हैं, उनको क्यों बेरोजगारी की ओर धकेले हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जानकारी है तो बताइए। तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा
उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है, और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए।